subscribe to the news, press the bell icon and never miss an update. बाकी चार महीने में स्टेज बुलाएंगे, सब तैयार है? जिनको हमने भी देखा, सब तैयार है? साथिया दीपिका सहजमी एंड स्मृति, सॉरी टोपी आ रही है। हाय सर, अरे मैं को बड़ा फोटो ऑफ करूँगा, ठीक है सर? हमने भी ट्रेलर देखा, बहुत जबरदस्त ट्रेलर था। चांदनी चौक की सेटिंग जबरदस्त, कैसा आपको नॉस्टैल्जिया फील हुआ थोड़ा पिक्चर की शूटिंग के टाइम पे? और पिक्चर की शूटिंग के टाइम पे लेकिन ऐसा लगा ये फिल्म करते वक्त मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ, अपने घर वापस लौट गया। बहुत अपनापन है। कमाल की बात तो ये है, आज हम यहाँ इस सिनेमा में हैं, इस सिनेमा हॉल में पता नहीं कितनी फिल्में देखी हैं। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, मेरी पैदाइश। बेटे बात तो सुन रहे? ओए हाँ भैया, हो गया जगह मिल गई तो क्या करेगा? यहाँ बैठेगा? आ जा। ओके कोई बात, आप दोनों हट लो, नहीं आए कुछ नहीं, कोई बात कोई बात, आप भी कैमरा लेके आ जाओ। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ मेरी पैदाइशी यहाँ की है, चांदनी चौक की है। और इस थिएटर में पता नहीं कितनी फिल्में मैंने देखी हैं, ब्लैक में टिकटें खरीद के देखी हैं, बहुत मज़ा आता था। बल्कि यहाँ और भी तीन थिएटर थे बाजू में ही चांदनी चौक के अंदर, गोलचा तो है ही है, फिर अभी वो थिएटर बंद भी हो गए शायद, जुगली थी और आगे बहुत दूर जाके थोड़ा अम्बा सिनेमा, बस वहाँ मोती, क्या बात है कहानी आप बना दी। अच्छा, तो ऐसा लग रहा बस अपने घर ही लौटा हूँ, ऐसा लगा ही नहीं। ये फिल्म कर रहे हम बात कर रहे थे, मैं इनको बता रहा था, मुझे तो फिल्म की शूटिंग भी याद नहीं है, हमें तो बस इतना याद है हमने क्या क्या खाया था। बहुत जैसे आनंद राय के साथ हमने पिकनिक बनाई है ये फिल्म के अंदर, और ऐसा लगा अपना जीवन जो है, पास्ट मेरा जीवन है, मैं जीते रहा हूँ इस फिल्म के अंदर। थैंक यू सर। जैसे कि आपने बोला आपने बहुत पिक्चरें देखी, मेरे छोटा सवाल है, कभी आपने वो दो कॉर्नर सीट यूज करी है? कभी आपने पिक्चर वाले कॉर्नर सीट यूज करी है? नहीं नहीं, आगे की सीटें मिलती थी बेटे, आगे पीछे नहीं। नहीं सर, वो कॉर्नर सीट मतलब है वो हर एक को अपने हिसाब से नहीं सोचती, अपनी बहनों के आगे मुझे फिर से भूल गया ना तू? देखो जैसे ही चारों आपकी फिर से भूल जाता है, जैसे इनकी शादी हो जाएगी मैं तेरी भी करवा जी। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा, आपकी बहन है अंकल जी, आपकी और उनकी कभी ऐसे नोकझोंक वगैरह लड़ाई झगड़ा होता खाने वाले बड़े लगे इन सब चीजों में? खाने वगैरह को लेके नहीं होती झगड़ा, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत झगड़ा वगैरह तो चलता ही रहता है। कुछ एनी स्टोरी दैट यू लाइक टू शेयर, कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? कोई स्टोरी शेयर करना चाहूंगा अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। भूमि जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, आपकी भी एक छोटी बहन है जिनके साथ आप काफी कुछ मतलब शेयर करती है मोमेंट्स वगैरह, तो लाइक डिड यू फील, डिड यू एवर फील नॉस्टैल्जिक ड्यूरिंग द मूवी? ओ एब्सोल्युटली, क्योंकि ये फिल्म ही
सिबलिंग्स के प्यार के ऊपर है और मेरी और मेरी बहन का रिश्ता बहुत ही, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते और हमारे भी बहुत झगड़े होते हैं। इन बहनों का जैसा रिश्ता था फिल्म में, मेरी और मेरी बहन का बिल्कुल वैसा। हम खाने पे लड़ते हैं, कपड़ों पे लड़ते हैं, मतलब रिमोट की, टीवी के रिमोट के ऊपर लड़ते हैं, पर हम प्यार भी उतना ही करते हैं एक दूसरे से। आई थिंक बहनों का रिश्ता बहुत ही प्योर होता है। मेरा पहला सवाल अक्षय सर से कुछ भी पूछ रही थी, बोला सर कुछ भी पूछा तुम सर, आनंद सर नहीं बोला था मेरे को, तुम अक्षय सर से कुछ भी पूछो। ओके, तू भी अगली बार जो पैसे मांगे कुछ भी मांगी हो। Anyways, my next question is to all four the four sisters. Hi guys, hello everyone. Hi. How was your experience shooting with Akshay and who? Okay, so काफी बहुत बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत experience रहा और I cannot like imagine, but I mean I can say I'm super glad and I feel grateful कि मुझे अक्षय सर और भूमि मैम के साथ first मेरी जो मूवी है वो उनके साथ हुई, बिकॉज बहुत ही उन्होंने बहुत ही मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ वो डिफरेंस फील नहीं हुआ, दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल एंड आई वाज सुपर ग्रेटफुल एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच टू आनंद सर, बिकॉज I'm grateful and I don't know मैं अभी क्या भी बोलूँ, मैं बोर कर दूँगी लोगों को, तो या बस I didn't just say I'm thankful and grateful for everything and it was a tremendous experience of बहुत 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 कुछ सीखने को मिला। Thank you. इसे साफ पता चलता है she's very grateful क्योंकि इसने अपने स्पीच में सात बार grateful बोला। अब आप इसके में खड़ा हो सकते हैं। इन्होंने एंड भूमि एंड आनंद सर, एवरीबडी हैज फेड मी यम्मी फूड, दे हैव मेड मी फील लाइक द सेट वाज माय होम एंड वी जस्ट एंजॉयड द एंटायर प्रोसेस एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड एंड या इट वाज ग्रेट, मजा आया, बहुत मजा आया। हम लोगों ने फिल्म भी बनाई और बहुत सारा खाना भी खाया। अभी आनंद सर ने रास्ते में कहा कि उनको अपनी फिल्मों से उतना ही प्यार है जितना खाने से है, सो जब अभी हम देखेंगे आपको वही फील होगा, लाइक इट्स टेस्टी, इट हैज मिक्सचर, इट हैज ऑल द रेसिपी और हम लोगों को मजा आया। या सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत सत्श्रीकाल बुलाना चाहूंगी but I feel that I'm blessed to have the best भूमि जी के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, भूमि मैम के साथ बाहर भूमि, but she is so compassionate, I love her और मुझे ऐसा लगता है that I'm meant for Anand and Rai's role, so I feel so connected with you. And I feel that it is very important film and I am very proud to be a part of it. That's it. Thank you so much, Sahil. One question that I have for you, that has been through all of your Instagram profiles. Sahil, I have seen your profile. You have put your brother's photo in it. And you have put it, he is like an audition camera to me. Is there any real thing? Yeah, he is right there. मतलब ये हमेशा मेरे साथ है, सही है, यहाँ पे भी आ गए। चलो ठीक है, जोरदार तालियां सेल्फी की भाई के लिए प्लीज। नाउ आई रिक्वेस्ट सेंटीमेंटल लेट मूवी मैम और अक्षय, ठीक है आप नाउ टाइम पे चलिए बट टेक टेक द सीट गाइस। आनंद जी अपने एंटायर टीम कांग्रेचुलेशन, बहुत ही अमेजिंग ट्रेनर है, आई कैन सी कि ईच एंड एवरी पर्सन कैन रिलेट टू हिम, हर ऐसे ऐसे मोमेंट छोटे छोटे मोमेंट को कैप्चर किए कि वी कैन रिलीव की ये हमारी कहानी है। अच्छा जी, आपसे मैं भी जानना चाहूँगा आप और अपनी आपकी सिस्टर अक्का जी की बॉन्डिंग या कोई मेमोरीज आप शेयर करना चाहोगे एंड आई थिंक यू आल्सो शेयर योर इन मेमोरीज विद योर ब्रदर एंड अच्छा बोल रहे हैं सर। मेरी
ना मेमोरीज है मेरी छोटी बहन के साथ, मेरे कोई रियल ब्रदर है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो ब्लड से मुझसे रिलेटेड ना हो लेकिन मेरा बहुत ही क्लोज रिश्ता है उनके साथ। लेकिन समीक्षा के साथ मुझसे कुछ साल छोटी है, तो बचपन में हम छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते थे, जैसे टीवी पे किसकी किसका फेवरेट प्रोग्राम चलेगा, वो हमेशा मेरे कपड़े पहनती है अब तक, इनफैक्ट अब दम लगा के हमेशा के मैं प्रेप कर रही थी समाओ तब भी मेरे कपड़े पहनती थी, मुझे समझ नहीं आता था कैसे। हम खाने पे लड़ते हैं लेकिन साथ ही हम पूरी दुनिया साथ घूमते हैं, हम यू नो जैसे सहज ने कहा मेरी बहन भी मेरा कैमरा है, वो मेरी स्टाइलिस्ट है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे लगता है भाई बहन का रिश्ता या बहनों का रिश्ता सिबलिंग्स का रिश्ता होता ही ऐसा है जहाँ पर आप अनकंडीशनली एक दूसरे के साथ बस खड़े रहते हैं थिक एंड थिन। हाँ जी, मैं मेरी भूमि जितनी लड़ाई नहीं हुई है, मैं और मेरी सिस्टर बहुत कम लड़ते हैं, बहुत ही रेयरली कभी 8-7 साल के अंदर कोई एक हल्की सी बात पे नहीं बात चल जाए, मतलब फिर मुझे नहीं लगता, मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है कि मेरी कभी लड़ाई हुई मेरी सिस्टर के साथ, प्यार वाली मेमोरीज हैं, क्या उसमें मेमोरीज क्या बताऊँ मैं आपको, शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट, शी इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक, शी इज एवरीथिंग टू मी एंड आई एम एवरीथिंग टू हर, शी इज़ द प्रोड्यूसर आल्सो, या शी इज़ द प्रेजेंटर। हाय अक्षय सर, Hi Akshay sir, this is Pari. Hi Bhumi ma'am, from Magnetic Media. Sir, मेरा आप दोनों से सवाल रहेगा कि आप दूसरी बार मूवी में मतलब एक साथ आ रहे हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस तो नहीं क्योंकि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं एक साथ, और अक्षय सर आपका तो कह सकते हैं कि घर यही है चांदनी चौक, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सर यहाँ पर, और आज जो आपने बाहर पब्लिक अपने लिए देखी उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है मैंने यहाँ अमर अकबर एंथनी देखी थी और भी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, अमर अकबर एंथनी मुझे अच्छी तरह याद है, दो बार देखी थी, एक बार यहाँ देखी थी और एक अम्बा सिनेमा है वहाँ देखी थी जाके, तो यहाँ पे तभी मतलब कैसे ना कैसे ब्लैक में टिकट खरीद के यहाँ पिक्चर देखने आए थे हम लोग, और बहुत सारा क्राउड आज ये क्राउड मुझे देखने आए हुए हैं, सबको देखने आया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड और दूसरा क्या प्रश्न पूछा सर, आपको जो आप यहाँ पर आते हैं बार बार, मतलब कि यहीं पे आपको दिल्ली आपका दूसरा घर है, तो आपके यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि आपको यहीं रह लेना चाहिए सर? नहीं, यहाँ आना जाना काफी रहता है, अभी भी मेरा घर चांदनी चौक में है, मैं वहाँ चुप करके रात को चला जाता हूँ कभी, और वहाँ जाके मेरे मामा जी रहते हैं उधर, अब वहाँ उनके पास बैठ के वहाँ से परांठे वाली गली से परांठे मंगा लेते हैं, और फ्रूट ट्री मिलती है ज्ञानी जी की सामने गुरुद्वारे के सामने शीशगंज के सामने, वो मंगा लेते हैं, नटराज के गोलगप्पे मिल रहे हैं वो मंगा लेते हैं, क्या इतना हंसने क्या बात है, तो ये है। फिर पता नहीं आप लोगों ने आम की कुल्फी खाई है कि नहीं, आम की किसकी यहाँ खाने पीने का जो सौभाग्य है वो बहुत कम ही मिलता है कहीं जाके, और यहाँ मतलब खाना अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ, अलग अलग किस्म की चीजें, और दौलत चाट हो, और लोग भी कमाल है, चांदनी चौक कमाल के लोग रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मतलब मैंने कई जो किरदार अपनी जिंदगी में निभाए हैं वो यहाँ से बहुत सारे किरदार ले लेके निभाए हैं, और खैर ये तो मैंने बोली भी अपनी यहाँ की रखी हुई है, चांदनी चौक की बोली, क्योंकि ये चांदनी चौक की फिल्म है, तो इट वाज वंडरफुल कमिंग बैक होम। थैंक यू सर।
Actually, you can take Akshay sir out of Chandni Chowk, but you cannot take Chandni Chowk outside of Akshay sir. Yeah. I think that's everything. Hi, sir. Hi, ma'am. Hello, Akshay. My name is Saloni once again. So, my question is to you, Akshay sir, and your four sisters. So, your four sisters. So, from the beginning, जब आप वहाँ पे आए, तब से अभी तक जब वो सब एंट्री कर रहे थे स्टेज पे, मैंने देखा आपका एक बहुत caring gesture था उनके towards. मतलब I have seen you on stage most of the time, but इस बार जब मैंने आपको देखा ना, आज जैसा आपने यहाँ पे role निभाया, वो चीज़ आपकी वो vibe दिख रही थी, off screen भी. तो आपके क्या experiences रहे हैं, जैसे आपने बताया, आपकी sister के साथ आपका बिल्कुल different था जैसे अभी उन्होंने पूछा, but यहाँ पे आप देख रहे हो लड़ाई हो रही है, प्यार है. नहीं देखिए बहन का जो रिश्ता होता है ना वो एक अलग ही होता है. आज इन चारों के साथ काम करके मतलब ये मेरी जिंदगी की असली बहनें नहीं हैं लेकिन ये मेरी बहनें हैं. आपको बताऊं ये रोज कोई ना कोई एक वो ले लेता था कि मैं आज मैं अपने घर से खाना लाऊंगी. कभी सिंधी खाना आ रहा है, कभी साई भाजी आ रही है, कभी कश्मीरी पुलाव बना दीदी कश्मीर से खाना आ रहा है. मतलब सिंधी में कभी खाया लोला अलग अलग चीजें आती थी. इतना मजा आता था. मैं भाई बार कह रहा हूँ ऐसा लगता ही नहीं है फिल्म बनाई है. पता ही नहीं चल रहा कब फिल्म बन गई. एक तो लॉकडाउन ज्यादा था उस वक्त बराबर लॉकडाउन था उस वक्त में लॉकडाउन के दौरान ही उसी दौरान फिल्म बनी है. पता भी नहीं चला कब ये फिल्म बन गई कब ये हो गया. मैंने थोड़े दिन पहले ही मतलब एक डेढ़ महीना पहले इन्होंने फिल्म दिखाई मुझे. फिल्म देखा तो ये सारे सीन कब हुए कैसे हुए इतना रोना कब कब रोए हम इतना. और मैं आपको बताता हूँ मैं लास्ट में जब पिक्चर खत्म हुई तो बस वहाँ सुन रहे हैं. ये मैं मेरा दावा आप लोगों से कि एकदम आदमी सुन हो जाता है जब ये रिश्ता देखता है कि क्या होता है इस रिश्ते में. मतलब इतनी गहराई में राय साहब चले गए एंड हैट्स ऑफ टू हिम टू मेक अ such a honest film. I've worked in many films but this is one of my honest films. That's it. And what was the their experience working with you? We used to laugh a lot and we used to play Ludo. बस खेलते खेलते पता ही नहीं मूवी कब बनी. जब से मतलब बचपन में हम जैसे अक्षय कुमार को स्क्रीन पे देखते हैं ना इन रियल लाइफ वो वैसे ही है. ही इज प्लेफुल एंड ही विंस हर गेम जीतते हैं. लाइक मैंने इनके साथ जो पहली बार गेम खेली और आई एम एन एक्सपर्ट इन लूडो आई एम एन एक्सपर्ट इन जीरो काटा अकॉर्डिंग टू मी. बट देन आई प्लेड विद हिम थिंकिंग ठीक है हम करोगे नहीं करोगे. बट देन ये जीत गए एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार. तो इनके साथ इनके फ्रेंड थे. तूने पैसे दिए जो तूने कर रहे हो पैसे आज तक दिए तूने कितना कितना कमाओगे सर. ये रियल क्वेश्चन है ये मीडिया में नहीं पूछ पाया वाला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछ लिया. ओके सर दिस इज मानशु सर. मेरे दो सवाल हैं आनंद सर से फिर अक्षय से. सर आनंद सर कितना मुश्किल होता है क्योंकि ये दूसरी फिल्म है अक्षय सर के बाद आपकी कितना मुश्किल होता है ऐसे बिजी स्केड्यूल से अक्षय सर को मनाना एक और फिल्म के लिए क्योंकि टाइम शायद बहुत लेट मिलेगा ये सोच के थोड़ा. यार मेरे पास तो टाइम इनका बच जाता है. मुझे नहीं पता क्यों ये बात आप कर रहे हैं कि इनके बिजी शेड्यूल में इनसे ज्यादा आसानी से बैठा हुआ इंसान मैंने देखा ही नहीं. ये जितनी देर मुझे देते थे मेरे लोग दो घंटे पहले काम खत्म हो जाता था और मैं बोलता था बैठो मुझे कुछ चुटकुले वुटकुले सुनाओ फिर जाओ थोड़ा हंसा के लाओ. तो इनके साथ ऐसा लगता है कि वक्त बहुत सारा है. कई बार ऐसा होता है ना कि 24 घंटे आपको दुनिया लगने लगे कि यार खत्म ही नहीं होना इनके साथ. तो ये वैसे वाला ना अक्षय सर एक आपसे सर ट्रेलर देखा वाकई काफी शानदार है. आप अकेले मेल एक्टर पूरे ट्रेलर में दिख रहे हैं बाकी चार बहनें और मूवी पति का साथ में है. तो लड़कियों के साथ जब शूट होता है तो एक स्वीट सॉन्ग का मतलब एक टेंट्रम से रहते हैं स्वीट टेंट्रम जिसको बोलते हैं लड़की के. तो किस तरीके से आपको झेलने पड़े चारों के और भूमि सबसे पहले तो ये मतलब कौन सी लड़की है आपको मेरे को कोई टेंट्रम नहीं तो नहीं आया इनका कोई स्वीट वीट कोई टेंट्रम नहीं. मुझे तो बड़ा ही नॉर्मल लगा. तो कौन से तुम्हें कौन से टेंट्रम झेले हाँ बस दे दिया भाई नहीं कोई ऐसा मेरा कोई ऐसा कोई कोई टेंट्रम नहीं था इन लोगों के साथ. मतलब मजे भी नहीं आए थे मजे करके चले गए. हेलो हेलो नाम निश्चय
माय नेम इज आकाश फ्रॉम filmingkira.com. माय क्वेश्चन इज विद कनिका मैम. मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मूवी लिखी तो उस वक्त आपने अपने कुछ पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो भाई had this real life bond with your sister, you have spoken about it. Did any aspect of that help you towards your character building of Raju? Everything what I feel for them, I have felt it because I what relation I have with my sister. So that has been coming to them through that experience with my sister's relation. So that's all that you will see it when you were watching the film. I don't think so. You know, sometimes when you feel you're acting, you know you're acting. But there is some film in your life which comes where you are just flowing. It is honesty coming out. So this relation, I couldn't act. I had to bring my honesty towards it. And hi, sir. How differently do you think the Purani Delhi has changed from the time you lived here in the 80s? Purani Delhi? Haan ji. Kuch bhi nahi matlab. Kuch bhi nahi matlab. Aisa hi hai. मैं तो बोल रहा हूँ कभी बदलना भी नहीं चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए. पुरानी दिल्ली ऐसे ही रहनी चाहिए. हाय, माय नेम इज सीनिया, आई एम फ्रॉम म्यूजिक टीम. सर, अक्षय सर, आपसे तो ये क्वेश्चन बनता ही है, ये फिल्म क्लैश हो रही है विद लाल सिंह चड्ढा, और एक बार इससे पहले आपने बच्चन पांडे को पोस्टपोन किया था सो दैट लाल सिंह चड्ढा गेट्स अ सोलो रिलीज. Now that both the films are clashing, I know all of us want to see both the films, but still a solo release is always better because it gets the only screens. So, what is your thought on that? First of all, I don't remember this incident which happened. You're talking about Bachchan Pandey, that clash was happening and I shifted it. I don't remember this. I doubt it that happened. But another thing, what you asked me about it's not a clash. It is about two good movies coming together. And it's a big day. Chutiyan hain, Raksha Bandhan ka waqt hai. Okay? And it is about movie. Waise bhi aapko bataun, dekhiye, COVID ki wajah se filmein release nahi hui. Bahut saari filmein abhi bhi padi hui hai. वेट कर रही हैं कि कब थिएटर में लगेगी, क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं. तो ये एक नेचुरल थिंग है कि एक हफ्ते के अंदर दो फिल्में आना एक बड़ा ही नेचुरल थिंग. सो आई वुडंट से वी आर क्लैशिंग, वी आर कमिंग, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आवर फिल्म्स टू पीपल एंड आई होप आई से बोथ द फिल्म्स हैव अ गुड रन. So based on that, I want to ask both of you, because both of you keep Indian cinema very interesting with content. What do you guys look at a script? What are your priorities when you select a script? Hi, thank you so much for your question. I think specifically for Raksha Bandhan, it was the fact that there is a story about a sibling relationship that completely blew me away. I am such a big fan of Anand sir's work. I was honestly waiting for an opportunity to work with him, and then my other favorite, Akshay sir, was in it. I have a very, very long and a very special history with both of them. So for me, doing Raksha Bandhan was like home ground, like, you know, going back home. And because I know the amount of love that both of them named their films with, it was extremely exciting. So specifically the reason why I'm a part of Raksha Bandhan is exactly this, because I just wanted to be a part of a story that is going to move so many people, that is so important to be told, and that's being made by some of my most favorite people, and most of them are on this stage. Kanika and Manju, so are very good friends of mine. When I heard that they are writing it, it was just icing on cake, and I'm just very lucky that I'm a part of this really important, special, emotional film. Hello, Anand sir. Akshay, I have for you as well, just taking off from a question on your criteria while selecting films. You have such diverse films. Your last film, of course, was a historical film. Action before that, you've got also comedy coming up with OMG2, or another historical drama in Ram Sethu. What is your criteria, and has it changed over the years of selecting films? Because I'm sure you get a lot of scripts. I like to deconstruct myself. Whenever I take a film, I want to deconstruct it.
I bring my image to a certain point. Now I want to break that and go somewhere else. And I want to break this and go somewhere else. So my criteria has always been trying to challenge myself that I can try and get into this kind of a genre. So that's what I look for. Because see, main kya hai? Jab main industry mein aaya tha na, to main sirf action film mein karta. Aur phir aisa ho gaya tha ki mujhe sirf producer director sirf action film mein hi dete. तो कोई भी कभी एक्शन फिल्म बनती थी इसको ले लो, फिर उस इमेज को तोड़ने को मेरे को इतना वक्त लगा था, आई कुडंट ब्रेक इट, बट स्लोली स्लोली आई ट्राइड इट एंड विद थैंक गॉड आई हैव ब्रोकन द होल इमेज ऑफ आई डोंट हैव एन इमेज आई डू डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म एंड दैट्स ऑल आई नाउ आई कीप ऑन जस्ट आई टोल्ड यू आई जस्ट कीप ऑन रिकंस्ट्रक्टिंग इट. हेलो आनंद सर, ट्रेलर बहुत अच्छा था. इसको देखकर मुझे कहीं ना कहीं तनु वैक्स मनु की याद आ गई, वही फील, वही ह्यूमर और वो सेटअप. तो कहीं ना कहीं वो कुछ कनेक्शन यहाँ पे है, वो दिल्ली वाला वो एक जुड़ाव तो हमेशा रहा भी हर फिल्म में. वो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ वो अपने अंदर से निकाल नहीं सकता. वो हम हैं, वो मिडिल क्लास है. तो मैं कितना भी कहीं और उड़ जाऊँ, लौट के तो यही वापस आता हूँ. तो ये है, हम ही लोग हैं, हमारे मिडिल क्लास है और उसी के साथ मैं बहुत सच्चा दिखा रहा हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि इसमें एक भाई सभी बहनों की शादी के लिए कितना कुछ करता है कि उनकी शादी हो जाए, मतलब उसका एक सपना है कि सारी बहनें एक सेटल हो जाए शादी करके. फिर ऊपर से दहेज वाला सिस्टम भी दिखाया गया है, तो क्या कहीं ना कहीं रियल लाइफ में ऐसा लगता है कि शादी कराना लड़कियों की मुश्किल हो गई क्योंकि फिर दहेज भी इतना सारा देना पड़ता है. देखिए वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं कभी भी ऐसी कोई फिल्म नहीं, मैडम क्वेश्चन कर लिया, देखो तो सही. आपने क्वेश्चन कर लिया उधर देखो. अच्छा, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब फिल्में करता हूँ ना, तो मैं सिर्फ ये नहीं कि प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ, उसका मजा नहीं. इस फिल्म के अंदर प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन भी है. जैसे हमने टॉयलेट एक फिल्म कथा की, उसके अंदर सल्यूशन है. जैसे मैंने फैट मैन की, उसके अंदर सल्यूशन. उसी हिसाब से इस फिल्म के अंदर जो मियां बीबी ने लिखी है फिल्म, इसके अंदर दहेज पे चलो बातचीत है, लेकिन कमाल की बात यह है कि देयर इज अ सॉल्यूशन आल्सो, व्हाट इट इज, हाउ इट इज, व्हाट शुड वी डू, व्हाट आवर कंट्री शुड डू और व्हाट द वर्ल्ड शुड डू, व्हाट इज दिस वर्ल्ड दहेज, हाउ टू डील विद इट. एक नॉर्म बन गया है सोसाइटी के अंदर है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं और उसको डील कैसे करना है, उसको तोड़ना कैसे. बात यह है कि इसको निकलना है, इसके अंदर से निकालना है अपने आप को. तो बस ये फिल्म उसी पे है, वो सॉल्यूशन बताती है. एक्चुअली विल यू गिव एनी काइंड ऑफ अ मैसेज आल्सो, बिकॉज़ डेफिनेटली दिस फिल्म इज गोइंग टू कम लेटर ऑन, बट ऑन दिस प्लेटफॉर्म डेफिनेटली वी हैव सीन लाइक दैट कि आपने बात किया और ऐसी बहुत सारे मुद्दे पे भी एक एक चीजें आपने कही जो रियली टचिंग लग रही है कि एक भाई को क्या गो थ्रू करना पड़ता है या फादर को. एनी मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म? मैसेज जो जब फिल्म रिलीज होगी तभी देते हैं ना. अरे मैसेजेस उसी में आते हैं. हेलो सर, काफी गाइस, लास्ट टू क्वेश्चन सर, लास्ट टू क्वेश्चन सर. आप देश में हम इस अग्निपथ योजना को लेकर देश चल रहा है, तो इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा आपको जनाब. इस पर रक्षाबंधन के बारे में बात सर. दिस इज डिंपल भारद्वाज फ्रॉम क्विक न्यूज. सर मेरा सवाल ये है कि एक ट्रेलर के अंदर हमने सीन देखा है कि आप एक स्कूटर के ऊपर अपनी चारों बहन को लेकर जा रहे हैं, तो चांदी चौक की तंग गलियों से गुजरना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, क्योंकि बहुत आसान नहीं रहा होगा? ये आसान नहीं रहा, लेकिन आदत है, गए हुए हैं स्कूटर लेके उधर से गुजरा हूँ बहुत बार, एक बार नहीं हजारों बार. लेकिन सर चार तो क्या करूँ, नहीं जी चार महीने तो क्या करूँ, आजू बाजू की उठा के लेके बुलाऊंगा. आपने देखा होगा दिल्ली में, आप हैं दिल्ली के लौंडे जो हैं, पीछे पढ़ पढ़ के लड़कियों के लास्ट में आके एक भाई बन जाते हैं. तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि
इसको क्या कहना है आपको कहना है लड़कों को कहना है उन्होंने आपको बोला तो ये वो बेवकूफ और कुछ नहीं बस कोई ऐसी कोई बात नहीं और कुछ फिल्म में आपकी चार बहने हैं तो आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं और सबसे छोटी बहन कौन सी है बड़ी बहन कौन सी है वो थोड़ा जानना है क्या लगता है आपको इनमें से या तो आप कृष्णा मैम की बात करेंगे या क्या आप बताओ तो सही कौन लगता है हम थोड़ा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं नहीं भैया आप बताओ फिल्म में सर जी जैसे फिल्मों में दिखाई देते हैं एक्चुअली बहुत फन रहा है खेला बहुत गेम्स खिलाया है उन्होंने गेम्स भी खिलाया खाना भी खिलाया और हमने आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने भी ट्राई करा टू हैव प्रैंक ऑन गेम एंड इट वाज अ मेजर फेलियर एंड वी बीन प्रैंक ऑन सो मेनी टाइम्स इट्स टू फनी इन्होंने एक बार ये किया था कि ऐसी प्रोटेक्ट करने से आपस में इनकी लड़ाई हो रही है चार घंटे दोनों एक्टिंग चारों एक्टिंग करते हुए अक्षय सर का उन्होंने घास ही नहीं डाली सोलो आगे चलना Okay.